उत्तर प्रदेश के लगभग 5 शहर स्वच्छ भारत मिशन अभियान की रेटिंग में फिसड्डी साबित हुए हैं। उसमें एक नाम प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी है, जो कि रेटिंग के लिहाज से 269वें पायदान पर है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? दरअसल सफाई की जिम्मेदारी भूल यहाँ नगर निगम के अफसर कूड़े से कमाई करने में ही जुट गए हैं। ये ऐसा घोटाला है जिस पर जल्द किसी की नजर भी नहीं पड़ती। इस घपले घोटाले के लिए कूड़ा उठाने वाली लगभग सभी गाड़ियों के स्पीडोमीटर्स के साथ लगे हुए रेशियोमीटर्स खराब कर दिए गए हैं, जिससे गाड़ियां कूड़ा कम जगह से उठाती हैं और फर्जी बिल बनाकर शहर भर में दौड़ने का खर्च नगर निगम से वसूला जाता है। कूड़ा बड़ा रहता है और ट्रक के बराबर चलती रहती है। यथार्थ ये है, न कूड़ा उठता है न ट्रकें चल रही। आप ये स्वयं जाकर देखो कि क्या उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है, और लगा है तो क्या काम कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त के माने तो ये मामला उनके संज्ञान में पहले से है, लेकिन कार्रवाई अधिकारियों पे न करके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और ड्राइवर को सस्पेंड करने की खाना पूरी करके काम चला लिया गया। और अभी विगत 15 दिन पहले एक हमने अपने टीम के माध्यम से जांच कराई थी, तो कुछ मामले प्रकाश में आए थे। इसमें एक ड्राइवर को हमने निलंबित भी किया है, और वर्तमान में जो तेल गाड़ियों का मिलता था उसका फिर से हमने चेकिंग करा के ये कहा है कि इनका जो भी तेल अलाट होता था उसका 10% कटौती करके तब गाड़ियों को भेजा जाए और देखा जाए कि गाड़ियां पहुंच रही हैं कि नहीं। दरअसल गाड़ियों को जोनवार अलग अलग भेजा जाता है। कई जोन में गाड़ी भेजे बगैर गाड़ी मालिक अधिकारियों से साठ गांठ कर अपनी मीटर रीडिंग दर्ज करा लेते हैं और कूड़ा जस का तस पड़ा रहता है। ऐसे में भारत की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान में अगर लखनऊ 269वें स्थान पर है तो इसमें किसी को हैरत भी नहीं होनी चाहिए। विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ।